हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों सावधान, आप लोगों के जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों आपके जीवन में पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, क्यों हरे दिन आपको नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुश्मन आपके पीछे क्यों पड़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है। वीडियो को आप देखिएगा, आपकी यह वीडियो आपकी ज़िंदगी के उन पन्नों को, उन किताब के पन्नों को खोलेगी जो आपके जीवन में घटित हो रही हैं, और आगे अगर आप नहीं संभले और उन लोगों पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं जो आपको समय पर काम नहीं देते हैं, समय पर आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके पीठ पीछे आपका षड्यंत्र रचते हैं और समय आने पर वो आपको धोखा देते हैं, फिर भी आप लोग बार बार ठोकर खाने के बाद भी उन लोगों के साथ लगे रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे में आप लोगों के हर किताब के पन्ने जीवन में आप उलटोगे और देखोगे वीडियो में बताई गई सारी बातें आपके जीवन से जुड़ी उन रहस्यमयी बातों के बारे में हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं, परंतु आप वीडियो को जैसे जैसे देखोगे आपके जीवन में आपको महसूस होने लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपके जीवन में हो रही हैं। आप जानते भी थे और उनको महत्व नहीं देते थे, आप समझ भी नहीं पाए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके ही द्वारा कुछ गलतियों का नतीजा है जो आपके जीवन में कष्टों और परेशानियां लगातार चली आ रही हैं, कष्ट और परेशानियां समाप्त ही नहीं हो रही हैं। हर एक बड़ी घटना आपके जीवन में हो रही है, पैसों का ठहराव नहीं हो रहा, दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके घर में गृह क्लेश हो रहा है, नकारात्मक वातावरण हो रहा है, भाई भाई में नहीं बन रही है, या फिर आपकी अपनी ग्रह नक्षत्र या दूसरी शक्तियों का दोस्तों नहीं है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हम भी जिम्मेदार होते हैं कई गलतियां का, कुछ ना कुछ गलतियां तो हमारी भी होती हैं। इसी क्रम में दोस्तों आपके लिए यह वीडियो हमने बनाया है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी पांच बातें, ऐसी पांच घटना आपके जीवन काल से जुड़ी हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के साथ बार बार दोहराई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप अभी भी उन गलतियों को, उन लगातार घटनाओं को लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। जब जब आपको ईश्वर ने किसी न किसी रूप में संकेत दिया है, आपसे जुड़ने की कोशिश की है, तब आप उन संकेतों को दूसरों को बता देते हैं, या फिर आप अपनी नानी को, दादी को, या किसी ऐसी बातों को लोगों के साथ, भगवान अगर आपके सपने में आते हैं, या कुछ ऐसी बातें जो आप सपने में देखते हो या आपके साथ होती है, वह ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं और उन बातों को आप दूसरों के साथ बता देते हो। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपको अगर किसी प्रकार के जीवन में परेशानी चल रही है और सचमुच आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो केवल आपके लिए बनाया गया है, आपके जीवन में इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आएगा, आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे माता का स्मरण करते हुए जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। दोस्तों याद रखें कि जिनके साथ माता भवानी होती हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती भी है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माँ भद्रकाली ज़रूर लिखिएगा। माँ आपकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरी करेंगी, जीवन के कष्टों को अवश्य दूर करेंगी। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, आपके साथ जो भी जुड़ता है, आप या फिर आप जिसके भी साथ जुड़ते हैं बड़े ही दिल से जुड़ते हैं, आप भेदभाव नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, और आप लोग जो हैं दूसरों के साथ कभी छल कपट नहीं करते हैं, परंतु लोग मन ही मन आपसे नफरत भी करते हैं, आपका दुरुपयोग भी करते हैं, आपके साथ चिढ़ते भी हैं, आपकी जलन की भावना आपसे करते हैं, आपकी तरक्की लोगों की आंखें
देख नहीं सकती है। इसी के चलते आप कभी कभी ऐसी जगह भी धोखा खा जाते हैं जहां से आपको बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। फिर आपको इस संसार से, दुनियादारी से भरोसा उठ जाता है, आपको बहुत बुरा लगता है, या यूं कहूँ कि आपका दिल टूट जाता है। आपको होशियार होने की आवश्यकता है। यह दुनिया है, इसी तरह से दुनिया नहीं चलती है जैसे आप इसे समझते हैं। यह आपकी तरह नहीं है, तो आपको भी अब इस दुनिया के अनुसार थोड़ा सा सतर्क होना होगा। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, आपको अपने आप को बचाने के लिए होशियार बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास और बस यही कोशिश रहती है कि आपको छोटी छोटी बातें, कुछ न कुछ ऐसी बातें बताते रहें जो आपको किसी न किसी रूप से लाभ आपको अवश्य पहुंचाए। आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से बदलाव अवश्य लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जिन्हें अपना दोस्त समझते हैं वही हमारी बुराई कर रहा होता है। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि आप अनजाने में से ही ऐसी गलतियों को दोहराते हैं, जानबूझकर आप ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आपको यह भी बता दिया जाएगा कि यह काम आपके लिए आवश्यक है, इसे अवश्य करना है, और दूसरा काम बिल्कुल अनावश्यक है, ऐसे बिल्कुल छोड़ देना है। तो आप तुरंत अपने तर्क तक शक्ति से पता लगा लेते हैं कि इस काम को करना है या नहीं करना है। लेकिन अपनों के बीच पहुंचकर आपकी सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जो दुश्मन बाहर से आते हैं उनका तो हम बड़ी आसानी से पहचान कर लेते हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से दूर से ही पहचान लेते हैं, उनके लिए हम तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो हमारे बीच में है, हमारे अपने ही हैं और हमारे बीच में हमारे सभी भेद को जानते हैं, हमारे सारे षड्यंत्र को, हमारे जितने भी रहस्य हैं उनको जानते हैं, और हमें उनके बारे में भनक तक नहीं होती है। और जिनके साथ हम कई सारी बातों को शेयर करते हैं, वही एक न एक दिन जब समय आएगा, जब सही मौका होगा, तो वह दुश्मन आपसे बात करेगा, आपको चोट पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो आपसे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन इसकी चुकनी चुपड़ी बातें में आकर आपको लगता है कि यह आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, यह आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके साथ कभी छल कपट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपकी तरक्की से आपको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, आपके मन में इनके भावों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके उनका जो है शोषण कर रहे हैं, आपका बहुमूल्य समय और आपकी बहुमूल्य संपदा को ऐसे लोग लूट रहे हैं। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, इन्हें पहचानिए और आप अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा संभालिए, हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलता है। अब जो है आपको जान लेना है कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, कौन आपका अपना है और कौन आपका सिर्फ फायदा उठा रहा है। आपको अपनी तर्क शक्ति से ऐसे लोगों को पहचानना है और उन्हें अपने जीवन से दूर करना है, वरना ऐसे लोग आपके हर एक सुख में, आपकी हर एक सुविधा में सुख तो उठाएंगे, लाभ तो लेंगे, परंतु जब समय आएगा, जब आपको इनकी ज़रूरत होगी, तब आप इनका लाभ प्राप्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों, हम जानते हैं वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए हैं, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया है आपने, और आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते हैं। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भरी पड़ी है और सुख संपदा से आप अपने जीवन को जी रहे हो। अच्छी बात है, लोगों को यह पता होना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपानी चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आखिरी के दो बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद ही आवश्यक है, और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं होगी, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाभ भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बातें कर रहे हैं,
जी हाँ दोस्तों, जिनमें कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों से प्यार लुटाया है, लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश करने की कोशिशें की हैं, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना होगा, होशियार होना होगा। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी वह बातें हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए। सबसे पहली बात आपको जो मैं बता रहा हूँ उसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा या फिर आप अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपने के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी सपना के माध्यम से आपको भविष्य भी दिखाई दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात के कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपने के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन भी करवाए हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी न कभी कोई न कोई ऐसा सपना आपने ज़रूर देखा होगा, या आपके ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर जब आप सुबह उठकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आपको बता दें कि आप तक ही होनी चाहिए, इससे आपको किसी को भी नहीं बतानी है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा सपना ईश्वर के द्वारा दिया गया है और कौन सा सपना? तो दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सरल उपाय है कि हम सो कर जागते हैं तो रास्ते में आने वाले सपने अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते, लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह हमेशा हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको कमेंट करके अब जो है आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं है कि आप अपने सपनों को अपने नज़दीकियों के साथ बताते हैं या नहीं बताते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात करें तो आप दूसरों को हमेशा बताते देते हैं, वह होता है क्या? उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे हैं, कई परेशानियां चल रही हैं, आप उन कष्टों को परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। उपाय करना बेहद ही आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने सपने, अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उस उपाय के बारे में लोगों को बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें, अपने पुत्र, अपने भाई जो हैं और अपनी पत्नी तक को छुपा के बारे में कभी नहीं बताने चाहिए ये चीज़, ठीक है? तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल हैं, तब आई जब करे दुर्भ, यानी कि आप जितना ज़्यादा चुप आएंगे उतना ही ज़्यादा उसका परिणाम भी प्राप्त होगा, इसलिए आपको छुपानी होगी। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं वह आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो दोस्तों, साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। आप उसे पूजा के बारे में, उस मंत्र के बारे में दूसरों को कभी नहीं बताएं। यदि आप बता देने हैं तो उसे पूजा का और उस मंत्र का पूरा पूरा फल उस इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिससे आपने पता किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई और बातें भी हैं जो हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फ़ायदा हो रहा है,
इसका दुष्परिणाम यह है कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, यह केवल आप इतना ही कह दें कि मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का जो बंधन हो रहा है, हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं, जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा कतराने लगती है, या यूँ कहूँ कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस किया होगा दोस्तों, जैसे ही आप अपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बातें करनी शुरू की, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा होता है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे कम हो सकता है, वो आपसे जलते हैं आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन में जो भाव निकलेंगे उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम आमदनी के बारे में बिल्कुल भी चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप सब चीज़ दिखने लगेंगे, आपको दिखाने या चाह करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते चलें, जब भी आप किसी देवी के स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आपने भी ऐसा किया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे में दोस्तों, जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएँ तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उस समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसलिए तो जिस स्थान पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थस्थल पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित हैं, तब भी परेशान हैं, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके अक्सर नहीं होने होते प्रभाव जो है वो नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए हैं। आप जिन जिन लोगों को बात बता कर आ रहे हैं, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल जो है वो बंट जाएगा। तो समझिए कि आपको अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया है, तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, और कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस देवी या देवता की पूजा करते हैं, आप किस दिन व्रत रखते हैं वगैरह वगैरह। अपने आप लोगों को यदि पता चल जाता है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अपनी तरफ से अगर आप ऐसी बातों को किसी के साथ बता रहे हो तो दोस्तों आपको ये नहीं करनी है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद ही फायदेमंद रही होगी, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य लेकर आया होगा। यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी और यह जानकारी आपको पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी पूरी भक्ति भाव के साथ अवश्य लिखिएगा। माँ भवानी, माँ अम्बे आपके जीवन की तमाम दुख तकलीफ़ों को दूर करेंगी, आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीज़ें, ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा हम देते रहते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए, कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।